ये देखिए, अब ऑप्शन इसमें जो है वो हम क्लोथ जो है वो डाल रहे हैं, फिर इसको जो है वो कपड़े थोड़े खोल के डालने हैं। सर कैसे ऐसे डालने डालना है, हैं? कैसे डालना है? ऐसे डाल सकते हैं इसको कपड़ों को। ये हमने अब चद्दर भी डाल दी है इसके अंदर, शर्ट्स भी डाल दी हैं, और अभी डालने के इसको बाद ना जैसे हल्का सा इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, अच्छा तो उससे वेट आ जाएगा ना कि कितना वेट है इसमें। तो ठीक है। हमने जैसे अब ये कर दिया है, अच्छा, डिटर्जेंट डालेंगे हम। तो इसके अंदर मैं टी शर्ट, जीन्स, बेडशीट्स सब कुछ डाल के आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जीन्स भी चली गई, वेस्ट भी चले गए, ये लो जी साड़ी भी चली गई, जो लेडीज़ अगर कोई देख रही हैं, साड़ी भी डाल दी मैंने इसके अंदर, टी शर्ट, शर्ट सब कुछ जो है इसके अंदर। और ये सर ने बताया थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है ताकि इसका जो लोड जो है वो सेंस कर ले। ये देखिए चादर, अब होता है बहुत है, ठीक तो हमने हमें इसके लेवल तक रखना है, ज़्यादा इसको बस अब इसको ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर है। दिखाना, हमें सर दिखाओ एक बार। टॉप लोडिंग है ना सर, ध्यान हाँ, अब ये लाया टॉप, देना कि हम तो टॉप इसमें लोडिंग का ही, नॉर्मल वाला डाल सकते हैं हम, ये टॉप लोड ही टॉप डालना लोडिंग का है, ही डालना है, चाहे वो लिक्विड हो पाउडर हो। नॉर्मल टाइट नहीं कर सकते इस्तेमाल। नहीं सर, क्योंकि क्लीनिंग का इशू रहता है, तो ये और सर्दियों में कोशिश करें कि हम लिक्विड डालें। अच्छा, सर्दियों में लिक्विड, हाँ, गर्मी में भी अच्छा वो पानी गर्म होता है तो जल्दी घुल जाता है, बट सर्दियों में क्या होता है डिटर्जेंट सही से ना ठंडे पानी में घुल नहीं पाता। अच्छा तो ये मैं इसके लिए अभी ख़रीद के लाया था एरियल का टॉप लोड एरियल, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो अभी फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो इसके साथ ये भी मिला है, इसके अंदर 60 ग्राम जो है लिखा होता है एक बार में आता है, और ज़्यादा गंदे अगर कपड़े हों थोड़ा सा तो आप ज़्यादा इसे है, 1.5 कप जो है वो डाल सकते हैं। जैसे इसमें चादर भी है तो हम ले डालेंगे। अच्छा, तो इसमें अब हम 1.5 जो है इसको कप जो है डाल देंगे फुल करके, मैं पकड़ता हूँ। तो आप देखते जाइए, हाउ टू वॉश क्लॉथ इन टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो इसे अब हम फुल करके जो है वो 1.5 उसमें जो है वो डाल देंगे। देखिए ये हो गया 1 कैप, हाफ कैप, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों के हिसाब से अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 1.5 तो डालना ही है। ठीक है जी, देख लो अब हमने डाल दिया है, अब हम जो हम है इसको क्लोज कर देंगे, हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके डोर के साथ, आराम से ये बंद हो जैसे इसमें जाएगा चादर वगैरह भी ना, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग पे चलाएंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पावर ऑन करा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दबाएंगे तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग भी आ गया, उसके बाद ने किया प्ले, प्ले कर दिया। अब ये जैसे जो है हमने यहाँ प्ले पे, किया तो वो सेंस कर रहा है कि उसको कितना पानी चाहिए। ठीक है, अब इसका टाइम अपने आप सेलेक्ट होगा। तो ये साफ पानी के लिए हमें सोयल लेवल हाई करना पड़ता है या किस तरीके से? ऑटोमेटिक नहीं, साफ पानी के, जैसे पानी हार्ड है यहाँ पे तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग खुद ब खुद हैवी पे चला गया वो। मतलब मीठा पानी जो होता है हाँ उसके लिए हैवी। जी, अब क्या हो गया उससे वो चला गया तो वो पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो मशीन घूम के ना सेंस कर रहे हैं। ये देखिए मशीन जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है, पानी बंद है शायद हमारा, नहीं पानी बंद है, चेक करा ना कितना टाइम चाहिए। ये देखिए अब इसमें जो है वो टाइम लिखा गया 53 मिनट्स ये टोटल टाइमिंग है, टोटल अब इसने देखो टाइमिंग। वाटर लेवल 7 ले लिया ठीक है, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि 14 मिनट इसमें वॉश होगा, ये दो देखिए बार सर साफ पानी पानी से भी जो है, निकल इसका वो आना शुरू हो गया है, मैंने बीच में डोर ओपन कर दी, इसको स्टार्ट दो किया बार होगा। हाँ जी, दो बार दो बार में वो वहीं अभी से ऐड हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है दोबारा हमारा, ये पानी है। अच्छा ये सही है। आ रहा है ना पानी दिखने में। अब क्या वो उस लेवल तक ठीक पानी है। भरेगा। अब जैसे लग रहा है आपको 14 मिनट नहीं, थोड़ा सा और वॉशिंग करना है, तो आप इसको पॉज करके
थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि इसमें हैवी कपड़े भी है ना, तो हमने इसको 25 मिनट कर दिया वॉशिंग को, ठीक है, और वापस से प्ले कर दिया। इसमें ये टोटल टाइमिंग आ रहा है 1 आवर 4 मिनट। अब चलते हुए में हम इसके फंक्शन चेंज नहीं कर सकते? चलते में कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। अच्छा, पोज और पॉज करेंगे, ठीक है, तभी होगा। ठीक है, ऑफ नहीं करना, ऑफ कर दोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पॉज करना है। और वाटर लेवल भी जैसे पॉज करके इंक्रीज कर सकते हैं जितना, अच्छा जितना जरूरत है, लगता है कि नहीं डूब रहे कपड़े प्रॉपर, आप पॉज करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस बार क्या होता है, कोई कपड़ा ऐसा होता है कि हल्का है, एक्चुअल वेट नहीं आया, वुलन में पानी ज्यादा चाहिए होता है, हाँ जी, और वेट हल्का होता है उसका, हाँ। तो हमें मैनुअली जाकर उसको हम पहले ही उसके हिसाब से बढ़ा देंगे पानी को। ठीक है, वुलन क्लोथ में, वुलन में या कोई बहुत से लोग चादर डालते हैं फोम टाइप हल्का ना, हाँ जी, ब्लैंकेट टाइप के आते हैं वो डालते, वो हल्के होते हैं, हाँ जी, उसके हिसाब से क्या होगा, ड्रम तो पूरा भर जाएगा, हाँ जी, बट वेट नहीं होगा तो वो वाटर लेवल कम लेगा, हाँ जी, तो आप उसको या तो पहले से शुरू में भी कर सकते हो, पहले ऑन किया प्रोग्राम लगाया और वाटर लेवल मैनुअली कर दिया, अच्छा, जैसे फुल लग रहा है तो लग रहा है कि फुल तक भरना है हमें, तो वो मैनुअली करके फिर आप प्ले करो उसे। ठीक है, तो वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पानी फुल हो रहा है, भी छोड़ दें इसको, मतलब थोड़ी देर भरेगा भी, जब तक तो भर नहीं जाएगा चलेगा नहीं, तो पॉज करके आप मैनुअली भी पानी इसमें भर सकते हो। अच्छा, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाए, ऐसे पॉज करके ढक्कन खोलेंगे और बाल्टी से भी कर सकते हैं जल्दी, अगर करना अगर जल्दी है तो, अदरवाइज सीधा अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, और मैं इसकी AMC डिटेल्स वगैरह भी सर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि 2 साल की तो हमें मिली है इसमें, और अभी जो एक्सटेंडेड वारंटी जो ऑफर चल रहा है वो मैं अभी सर से अभी पूछ के आगे बताता हूँ। और सर, इसमें हमें 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रोग्राम भी मिला है इसके साथ, वो अलग होता है सर, तो वो कंपनी करती है या थर्ड पार्टी के थ्रू होता है? थर्ड पार्टी जिस कंपनी से भी टाई अप होगा वो करती है। अच्छा, उसकी चलो डिटेल मेरे पास मेल पे आएगी तो वो मैं दिखा दूंगा, डीलर से आएगी वो मैं दिखा दूंगा आपको डीलर के थ्रू। और वैसे इसकी जो 1 साल की AMC है 1770 रुपये की 1 साल की है। अच्छा, अच्छा, ये 1 ईयर की AMC है, 1500 रुपये प्लस 18% टैक्स आता है, तो 1770 रुपये की 1 ईयर की AMC है। बट इसको डेमो टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 से, तो ये आपका हो रहा 53,104। ठीक है, है ना, ये 3 साल के लिए वारंटी है, और जैसे डेमो टाइम में आप कराते हैं तो इसमें मैं अभी मतलब मैं अगर इसको आज कराता हूँ 09+18% तो 3540 रुपये में आपको 3 साल की मिलेगी। 3540 में आपको 3 साल, 3540 में हमें 3 ईयर की मिल जाएगी, हो जाएगी यानी 3 और 2 5 साल हो जाएगा, 5 ईयर्स की ऐड हो जाएगी इसमें। तो ठीक है, अभी हम ये भी सर से करा लेते हैं, इसकी पेमेंट सर कैश से होगी या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ठीक है, तो ये भी मैं करके अभी दिखाता हूँ। इसमें पार्ट सारे कवर होते हैं सर, ये AMC वगैरह में इसकी डोर वगैरह भी कवर हो जाएगी, सिर्फ टूट फूट नहीं होनी चाहिए आपसे, हाँ जी, टूट फूट मिसहैंडलिंग नहीं होती, डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज में भी आपका सर्विस चार्ज लगेगा, सिर्फ पार्ट का लगेगा, या भाई जब गिलास तोड़ दिया किसी से, हाँ, तो आपका गिलास का पैसा लगेगा, सर्विस चार्ज तब भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये AMC में, अच्छा, 600 रुपये तब भी सेव रहेंगे। और ये वारंटी में भी होता है? वारंटी में भी होता है सर्विस। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर डैमेज होती है तो सर्विस चार्ज नहीं लगेगा आपका, पार्ट्स के पैसे जो है वो लगेंगे। तो ये भी हम जो है वो करा लेते हैं, तो ताकि वॉशिंग मशीन ये पैनल जो है इसका वाटर प्रूफ होता है, ये शीट लगी होती है इसके ऊपर, अंदर से भी वाटर प्रूफ, अंदर से भी वाटर प्रूफ हो सकता है ये। एक सेकंड, और जैसे ये वॉशिंग स्टार्ट हो गई है और अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है, हमने मैनुअली इसको थोड़ा सा मैनुअली हमने इसका लेवल जो है वो 8 से 10 कर दिया है, ठीक है, थोड़ा जो पानी है, हाँ जी, तो अब पानी जो है इसमें वो और इंक्रीज हो जाएगा। फुल होने वाला है अभी ये, तो पानी लेवल होने के बाद ये वॉश जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है ना, अब इसको बीच में जरूरत होगी तो ऑटोमेटिक वो पानी को खुद बढ़ा लेगा, ठीक, बीच बीच में वो चेंज करता रहता है। अच्छा, पानी कम लगता है तो बीच बीच में लेता रहेगा, मशीन को जो है वो चलाता रहेगा।
ठीक है जो इसके कपड़े हैं, फिर मैं अगर एक बार जो धुल जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की क्वालिटी है जो है वो आती है।